रेस्टोरेंट बने हुए हैं और अभी रेस्टोरेंट में थोड़ा खाना खाया, अब हम ढूंढेंगे रिजॉर्ट। यहाँ कैंपिंग साइट एक ही है बस, ये सोनमर्ग से थोड़ा आगे, एक दो किलोमीटर आगे, लेकिन वो कैंपिंग साइट फुल है पूरी, ठीक है, और रिजॉर्ट भी कह रहे हैं फुल है, तो चेक करते हैं, देखते हैं रिजॉर्ट्स अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि इतनी अच्छी जगह पे आके होटल में रुकना मतलब मज़ा नहीं आया। ऊपर ग्लेशियर है बर्फ़ के, तो यहाँ घोड़े से ले आते हैं ऊपर। रूम से हमारा व्यू और ऊपर ग्लेशियर्स है, जहाँ मेरे पापा और बाकी फैमिली गई है देखने ग्लेशियर। सुंदर जगह, नदी सामने, कैंपिंग हो रही नीचे, पीछे बहुत अच्छी नदी बह रही है, पीछे कैंपिंग हो रही है, अगर बाइक होती तो नीचे नीचे ले जाता, क्योंकि बाइक नहीं जा सकती, कार नहीं आ सकती। बातल से शायद स्टार्ट होता है अमरनाथ यात्रा। यहाँ नीचे हेलीकॉप्टर और हेलीपैड भी दिख रहे थे, अभी वैसे अमरनाथ यात्रा बंद है। पहाड़ के, ये देखो तोजिला पास का रास्ता है लद्दाख जाने वाला, सोनमर्ग से लद्दाख जाते ना, तो कभी बाइक से आएंगे तो दूर लद्दाख जाएंगे। अभी लद्दाख का प्लान नहीं है इस बार, सोनमर्ग का ही प्लान था, लेकिन थोड़ा और आगे आ गए तोजिला तक, तोजिला तक पहुंच नहीं पाया अभी, देखते नहीं तो तोजिला पास जाएंगे या फिर वापस सोनमर्ग जाएंगे, सोनमर्ग को थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। ये देखिए बहुत सुंदर जगह है ये, और अभी पता नहीं मुझे ट्रक जाते हुए दिख रहे हैं ऊपर, शायद तोजिला पास ऊपर ही है सामने, पता नहीं अभी इसके बारे में कुछ भी, क्योंकि इंटरनेट अभी तक ऑन नहीं हुआ है कश्मीर में, इस वजह से यहाँ भी इंटरनेट नहीं है, तो कुछ पता ही नहीं है कहाँ जा रहे हैं क्यों जा रहे हैं, तो ये बात है। लेकिन तब भी ये देखिए एक तरफ बंजर पहाड़ है, एक तरफ कश्मीर वैली है, जो पीछे आपको बंजर बाहर देखेंगे, यही था बस। अभी सोनमर्ग को एक्सप्लोर करते हैं, सोनमर्ग में ड्रोन आने की कोशिश करेंगे, पीछे सोनमर्ग के पीछे वाले एरिया में, जहाँ मतलब आर्मी एरिया नहीं है, क्योंकि यहाँ पूरा आर्मी एरिया है तो यहाँ ड्रोन नहीं उड़ा सकते अपन। झरना ऊपर से आ रहा है बहुत तेज, और यहाँ ड्रोन आने का मन था, लेकिन ड्रोन हवा बहुत तेज है, ड्रोन इसलिए उड़ नहीं पा रहा।
हम जा रहे हैं ऊपर, वो मेडोज हैं, जो मेडोज पे जा रहे हैं, वहाँ जाके ड्रोन आने की कोशिश करेंगे। हवा बहुत तेज चलेगी, यहाँ से 4-5 किलोमीटर ऊपर है वो लोकेशंस, एक ग्लेशियर है, और 4 किलोमीटर ऊपर है जहाँ बजरंगी भाईजान का एंडिंग सीन शूट हुआ था, तो वहाँ तक खच्चर से जा सकते हो आप। जो हमें जा नहीं पाया अभी, लेकिन नॉर्मली जो मेडोज है सामने उसके अंदर जाने की कोशिश करते हैं। तो ऊपर आ गए हम लोग, और यह खच्चर घास चल रहे हैं, देखिए छोटा सा ट्रैक है। ग्लेशियर जाना है तो 6 किलोमीटर ट्रैक है, लेकिन ग्लेशियर तक नहीं, मैं यहीं तक आ पाया, लेकिन ड्रोन आएंगे यहाँ। छोटा सा आगे वाटरफॉल सा दिख रहा है, वहाँ तक ड्रोन लेके आते हैं। ये व्यू देखो आप, क्या व्यू लग रहा है, मज़ा आ गया, वाह। हल्का सा ऊपर आया, क्या व्यू होगा एकदम से, ये देखिए। फाइनली हमने ड्रोन उड़ा लिया, और हम लोग काफ़ी जंगल में, और ऊपर ये ऊपर ऊपर बजरंगी भाईजान की भी शूटिंग हुई है, और जहाँ पे वहाँ पे ड्रोन अलग से बोर्ड भी लगा हुआ है कि आप ड्रोन उड़ा सकते हो। वहाँ तो हम जा नहीं पाए क्योंकि मैं खच्चर पे बैठ नहीं पाता, डर लगता है मुझे बहुत ज़्यादा खच्चर पे बैठने से। बस अब चलते सोनमर्ग का, कल आज सोनमर्ग में आखिरी दिन हमारा, और कश्मीर में भी आखिरी दिन, क्योंकि कल हम लोग कश्मीर से निकल लेंगे वापस पंजाब के लिए। पंजाब से धीरे धीरे हम लोग ग्वालियर आ जाएंगे, है ना। और आपको दिखाता हूँ अभी और चीज़ें होंगी शायद रात को, मैं अगर बादल हट जाए, देखो बादल है, ये बादल हट जाए रात को, स्टार लेफ्ट लेंगे हम लोग, हट जाना चाहिए बादल, देखते। तो आप यहाँ पे गवर्नमेंट रेट से खच्चर ले सकते हो, मतलब ऐसा कोई लूटते नहीं है, क्योंकि आगे जाके टूरिस्ट पुलिस भी है जो चेक करती रहती है लोगों से कि आप सही प्राइसेस पे आपको खच्चर मिला है कि नहीं, है ना।
तो खच्चर मिल जाता है, मुझे मिला था कुछ शायद 1500 के दो खच्चर, है ना, 1500 में दो लोगों के लिए। तो आप ले सकते हो, मैं तो नहीं गया था, मेरे फादर गए थे, है ना। तो लेकिन बहुत मज़ा आता है ऊपर का, वो बता रहे थे ऊपर ग्लेशियर है और वो ग्लेशियर तक ले जाते हैं। क्योंकि देखो क्या है कि नवंबर दिसंबर में यहाँ बर्फ़ पड़ जाएगी और फिर 6-7 महीने रहती है बर्फ़ दम से, तो तब तो आप मतलब आपको स्कीइंग करने आ सकते हो। लेकिन अभी बर्फ़ ओनली ग्लेशियर्स में ऊपर जो जमे हुए, आपको दिखाया था पहले भी मैंने, तो वहाँ तक आपको ओनली खच्चर से सकते हो, है ना। तो वहाँ ग्लेशियर है, ग्लेशियर पानी होगा जो ग्लेशियर पिघल के नीचे आ रहा है, वो जो आपको ऊपर व्हाइट रंग का दिख रहा है ना, वो ग्लेशियर है। रिजॉर्ट हमारा शाहीजान, और अभी हम लोग जा रहे हैं, शाम हो चुकी थी, सनसेट होने वाला है, सनसेट हो चुका है, सामने पहाड़ों पे बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी हम लोग जा रहे हैं खाना खाने, यहाँ से खाना भी मिल नहीं रहा कोविड की वजह से, तो मार्केट में आना पड़ेगा सोमवार। निकलते हैं हम लोग सोने, क्योंकि सुबह हमें निकलना वापस पंजाब।